नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। ज्योतिष पीठ के स्वामी अभि मुक्तेश्वरानंद अपने उत्तराखंड दौरे के पहले दिन हरिद्वार पहुंचे। यहां से वे शरदकालीन चारधाम यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी भाषियों को लेकर दयानिधि मारन के विवादित बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दयानिधि को अहंकारी बताते हुए कहा कि एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री साफ सफाई करने वाले लोगों के पैर धोता है, वहीं अहंकारी दयानिधि मारन ऐसे लोगों के प्रति ऐसे मानसिकता रखता है, इससे उसकी मानसिकता का स्तर पता चलता है। अगर उत्तर भारत का व्यक्ति वहां जाकर के ये प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है कि ये लोग काम करते हैं, छोटा बड़ा काम को नहीं समझते हैं, तो हम तो किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। जो काम मिला हम उसको कर रहे हैं और करके आजीविका कमा रहे हैं, हमारे लिए गौरव की बात है और हम ये करेंगे, पूरे विश्व में करेंगे। जो काम हमको मिलेगा हम किसी काम को छोटा नहीं समझेंगे और उसको उस पर काम करके कमाने पर गर्व रखेंगे। तो हमको तो बड़ी खुशी हो रही है कि दयानिधि के द्वारा इस तरह के शब्द निकल रहे हैं और दयानिधि का इसी से पता चल रहा है कि उनके मन में कितना बड़ा अहंकार है कि वो इस तरह से लोगों को तुच्छ समझ रहे हैं। जो लोग साफ सफाई के काम में लगे हैं, भारत का प्रधानमंत्री उनके चरण धोता है और चरण धो करके उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करता है जी। और दयानिधि उनके प्रति इस तरह का तिरस्कार का वाक्य बोल रहे हैं, इसी से पता चलता है कि वो किस तरह के क्लाश में जी रहे हैं जी। हमसे पूछा गया था कि आपका क्या कहना है, तो हमने कहा कि देखिए ये जो 22 तारीख है, ज़्यादा अच्छा होता कि जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, जन्मदिन में प्रतिष्ठा हो जाती और राम जी की प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छा। वैसे तो किसी भी मुहूर्त में मंदिरों में प्रतिष्ठा मुहूर्त में निकाल के होती है, लेकिन राम जन्मभूमि का, ये जन्मभूमि का स्थान था तो जन्मदिन में अगर होती तो अब जन्मदिन ज़्यादा दूर नहीं था, चैत्र आ रहा है, चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान का जन्मदिन होता है, उस दिन होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या कोई विशेष कारण होगा जिसके कारण सामने नवमी होते हुए भी जल्दी कर रहे हैं? नहीं, किस तरह का विशेष कारण का मतलब यह है कि अभी चुनाव आने वाला है, आचार संहिता लग जाएगी तो सरकार को रामनवमी की तिथि शायद इस तरह से आयोजन करने का अवसर न मिल सके। स्वामी अभि मुक्तेश्वरानंद ने एक नई परंपरा की शुरुआत की है जिससे उत्तराखंड में धार्मिक आस्था के साथ ही लोगों के व्यापार में भी वृद्धि हो सके। इसके लिए स्वामी शीतकालीन चार धाम यात्रा बंद होने के बाद आज गंगा पूजन कर फिर से चार धाम यात्रा के लिए रवाना हुए। इनका उद्देश्य है कि भगवान 12 महीने अपने निवास पर वास करते हैं, शीतकालीन में भी यात्रा सुचारू रूप से चले, यह संदेश श्रद्धालुओं को देने के लिए इनके द्वारा इस यात्रा की शुरुआत की गई। का ध्यान दिलाना चाहते हैं कि भगवान की पूजा बंद नहीं हुई है, यात्रा बंद नहीं हुई है, स्थान परिवर्तन हो गया है। जैसे किसी विधानसभा का स्थान गर्मियों में अलग जगह होता है, ठंडियों में अलग जगह हो जाता है, ठीक इसी तरह से भगवान की पूजा का स्थान केवल बदला है, बाकी यात्रा चालू है, भगवान की पूजा चालू है। हमारा जो प्रयास है वो केवल विचार के स्तर पर नहीं है, हम कमरे में बैठ करके योजना नहीं बना रहे हैं, हम निकल रहे हैं कल सवेरे और स्वयं यात्रा करेंगे। स्वयं यात्रा करने से हमको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ क्या कठिनाई है, जो लोग हमारे द्वारा प्रेरित होकर के आएंगे उनको क्या समस्या आएगी, तो हम उसका निराकरण करने के लिए प्रयास करेंगे। आज आपके उत्तराखंड में सरकार ने आलवेदर रोड बना दी, आलवेदर का मतलब है ठंडी गर्मी सब समय की सड़क, तो जब आलवेदर रोड बन जा रही है और सभी समय में सब जगह पर लोग रहना शुरू कर चुके हैं, सब जगह पर ऐसे संसाधन उपलब्ध अब हो गए हैं कि ठंडी गर्मी का बहुत असर नहीं पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति में अब केवल ठंडी का समय है ऐसा कह करके उस स्थान को वीरान कर देना और यात्रा को ही रोक देना अब उचित नहीं है परिस्थितियों को देखते हुए। इसीलिए हम स्वयं निकल रहे हैं ताकि लोगों में ये संदेश जाए और पूरे साल भगवान की यात्रा होती रहे और जो मर्यादा है मुख्य स्थान से शीतकाल का स्थान बदलने की वो बनी रहे, लेकिन यात्रा चलती रहे, ऐसा हमारा मानते। स्वामी ने कहा कि चारधाम यात्रा सबसे उत्तम यात्रा मानी गई है, देश और विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं, मगर इस यात्रा के लिए लोगों में भ्रम उत्पन्न हो गया है कि यह यात्रा सिर्फ 6 महीने तक चलती है और 6 महीने बंद रहती है, मगर ऐसा नहीं है, भगवान हर वक्त वहां विराजमान रहते हैं, बस शीतकालीन बर्फबारी होने के कारण भगवान की पूजा अन्य स्थान पर होती है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा बहुत पुण्य और बहुत अध्यात्म की दृष्टि से उत्तम मानी गई है, पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं, जो सनातन धर्मी विदेशों में रहने लगे हैं वे भी जीवन में एक बार इस यात्रा को करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं।
लेकिन ये भ्रम उत्पन्न हो गया है कि ये यात्रा केवल 6 महीने होती है, 6 महीने फिर बंद हो जाती है। ऐसी बात नहीं है, यात्रा सदा होती रहती है क्योंकि भगवान सदा विद्यमान रहते हैं। इतनी सी केवल बात है कि जो क्षेत्र दुरूह हो जाता है शीतकाल में, उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में भगवान की पूजा होने लगती है, इसलिए वहाँ तक भी अगर कोई यात्रा करता है तो उसको यात्रा का पुण्य मिलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस यात्रा के माध्यम से ये जनता में संदेश जाए, ये स्पष्ट हो कि भगवान चार धाम में सदा विद्यमान है। शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल हो, किसी भी समय अगर आप उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करेंगे तो आपको पुण्यफल की प्राप्ति होगी और भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदार और बद्री। तो ये शीतकाल में जो पूजा के स्थान हैं वो बदल जाते हैं, पहले खरसाली, फिर मुखवा, फिर मुखी मठ और फिर जोशी मठ। धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ आर्थिकी भी जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक है कि जब यात्रा चलेगी तो जो अर्थ जगत है वो भी इसका लाभ लेगा।